नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सफाई कर्मचारियों द्वारा पुलिसकर्मी पर आरोप, पुलिसकर्मी शराब के नशे में सफाई कर्मचारियों को देता है गालियां। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। प्रदेश में पुलिस की छवि का कोई अच्छी छवि नहीं माना जा रहा। पुलिस कर्मचारी हमेशा ऐसे सवालों के कटघरे में खड़े रहते हैं, वही कई बार ऐसा कर बैठते हैं जिससे असहाय लोगों पर अत्याचार होता है, और ऐसा कई बार देखा भी गया है। इसी कड़ी में आज सुबह कैथल में पिहोवा चौक पर एक तैनात पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में सफाई कर्मचारियों को गाली देना शुरू कर दिया। उनके द्वारा बताया गया कि गालियां इतनी गंदी थी कि हम आप लोगों के सामने भी नहीं बता सकते, क्योंकि वहां पर बहुत सारी महिलाएं कर्मचारी भी थी। इतना ही नहीं, उनको जाति सूचक गालियां भी शराब के नशे में पुलिस वाले ने दी, जिसको लेकर के वे थाना प्रभारी और पुलिस चौकी में गए। यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक के पास भी जाकर के मिले, लेकिन वहाँ से उन्हें केवल आश्वासन ही मिला कि आप लोग चलिए, हम लोग आते हैं। पुलिस कर्मचारी ने जिसने ये वारदात की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और थाना प्रभारी को आपके पास भेजा जाएगा। अब तक उनसे कोई नहीं आया। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, इसलिए हमारी मांगे हैं कि जल्द से जल्द पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड किया जाए, वरना ये कार्यवाही हड़ताल का रूप ले लेगी। आप देखें पल पल कैथल से ये खास रिपोर्ट। सर, ये हमारी आज री लगती है दोनों टाइम। सफाई कर्मचारी हो? सफाई कर्मचारी हम। सुबह हमारी कोई बात नहीं हुई इससे, इसको हम वहाँ बेंच के पास बैठे थे तो इनको अंदर से कैंपर भगा के मारे बाहर। ये चाय वाला को बोल दिया इसको, भाई इन डेढ़ जरातों को इधर नहीं बैठने देना बिल्कुल भी। तो हम जब भी नहीं बोले कोई बात, जब लठ लेके बाहर मारने के लिए आए ये, मैंने कहा इस भर्ती की हमको कोई वो नहीं है, इस भर्ती को उतार के अनुगा भी बनाता हूँ था ना डेढ़ जलाद में। कैसे ये गलत शब्दों में हमारे साथ बात कही, हमारी बहन नहीं छोटी ना माँ ने छोटी, हमारी बहन ने चोटूंगा माँ ने चोटूंगा, कैसा हमने क्या गुना कर दिया सर ऐसा। हम तो अपना ड्यूटी टेबल पूरा टाइम देते हैं इधर, जो काम करने आते हैं वही काम करते हैं। ये सर मुलाजिम है, पुलिस वाला है सर, इसका नाम तो मैं जानता नहीं सर। शराब पिए हुआ है, पेंट के अंदर बाथरूम भी किया हुआ है इसको, पहले भी यही हरकत थी, तीन फेरी ये तीसरी फेरी ये हरकत हमारे साथ कर ली इसको सर। हम फिर भी कुछ ऐसे नहीं बोले, चल मलाद में कोई बात नहीं, पी रहा तो टिक जाएगा। फिर भी हमने इसकी सोची, फिर अगर ये डेढ़ जलाद वाली बात बिल्कुल गलत की है, ये अभी 6 बजे की हमारी हाजिरी है, 6 बजे इसको बोलना, 6 से भी पहले ही चालू है ये बोलना सुबह 6 बजे से सर। इस पे तो क्या क्या फिर आप सारे इकट्ठे हो गए? हम एसपी पास के गए, एसपी साहब के पास गए थे, एसपी साहब तो हमको मिल नहीं पाए सर, वो जो भी है वहाँ कोठी के पास वो मिल के। आज हम एसपी साहब से मिलने गए थे जी, एसपी साहब से ये हम कर्मचारी हैं, यहाँ पे ड्यूटी है हमारी, हजरी लगती है, तो आज हजरी के टाइम हम यहाँ बैठे थे। ये अंदर से एएसआई हैं जी, यहाँ पे जो नाक का इंचार्ज है, जो नाके पे है, जिनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने अंदर से आए, अंदर गालियाँ देने लगे और डेढ़ नाम का शब्द यूज़ किया, और क्या नाम लेते हैं अपने डेढ़ नाम का, और अंदर से लठ लेके आए, ऐसे बोले भी मेरे को इस वर्दी की क्या जरूरत है, मैं तो ये वर्दी काट के आता हूँ अभी आप लोगों को मैं बनाता हूँ सही। तो फिर हमने और मौके पे वो दारू पिए हुआ है, इसलिए हम तंग हो गए। ये तीसरा चांस हम अब एसपी साहब से मिलने गए, एसपी साहब से तो नहीं मिल पाए, लेकिन जो वहाँ पे राजेंद्र जी हैं उनसे मिले हम। उन्होंने CTSHO को फ़ोन किया, CTSHO बोले अभी आ रहा हूँ जी मैं, उनको मेडिकल कराएंगे और जो आपकी कार्रवाई होगी आपका हम करेंगे। तो पहले भी ऐसे करता है? हाँ जी, पहले भी कई बार कर चुका है, तीसरा चांस है ये। अब आज हम तंग होके इसके बारे में शिकायत देने गए हैं। तो क्या अब तो कपड़े उतार रखे हैं? नहीं, अब तो कपड़े नहीं उतार रखे, लेकिन ऐसे ही पड़ा है जी, दारू पी के पड़ा है। क्या हुआ था? गाली देवा जी, बिना मतलब ही हमारे तो आज ही लगा जुरा, हम कुछ कहने नहीं सुन दे नहीं, कर्मचारी है जम सुबह तीसरा चांस है इसका। अच्छा। गाली देवा लठ ले का आया, लठ ले का आया मारन, गाली देवा जी कौन है? कर्मचारी है जी। नहीं, ये कौन है? मुलाजिम है जी, पुलिस वाला जी। क्या किसने तगाड़ी दिया? क्या बात हुई? पता नहीं जी, मन तो अंदर
क्या है लड्डू लेकर? अच्छा। दारू पी रखी है जी। अच्छा। उनको हमारे कोई गलती नहीं, हम तो आज ही पे बैठे थे। अच्छा। दारू पी कर लट लेकर गाड़ी दिन बाहर आए, चूड़ा बोला फलाना गाड़ी दे गंदी गंदी। तो किससे मिलने गए थे आप, कहाँ गए थे आप? एसपी से। तो क्या बोले एसपी? सिविल एसएचओ को फोन करती है। अच्छा।